हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस एक और बड़ी सूचना आप लोगों के लिए लाया है। दिल्ली पुलिस में एक और बड़ी भर्ती आई है, 10,285 पदों पर। दोस्त, ये भर्ती जो है वो है DP यानी दिल्ली पुलिस HG यानी होमगार्ड की। दिल्ली पुलिस होमगार्ड की, जिसमें आपकी अगर हाइट 65 सेंटीमीटर के आसपास भी होती है तो आप लोग इसके एलिजिबल माने जाते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। और चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट करने आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड्स, ठीक है। चलिए, और यहाँ आप लोगों के लिए जो नोटिस है वो आया है, और आज आप लोगों के आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 13/2/2024 तक चलेगी, ठीक है। चलो, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा और। 10,285 पद हैं, 10,285 पद हैं, और इसके बारे में जो जानकारी है, दोनों प्रकार से सम्मिलित की गई है। 20 से 45 वर्ष के बीच की अगर आपकी आयु है तो बिल्कुल आप लोग इसके एलिजिबल हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ हाइट की, तो कम से कम 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और फीमेल को 152 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है। 12th पास आप लोग के पास में योग्यता बिल्कुल चाहिए, ठीक है। आप लोग यहाँ देखिए, और दौड़ का भी मतलब इन्होंने उम्र के हिसाब से डिवाइड किया है। अगर आप अप टू 30 ईयर यानी कि 30 साल से ऊपर हैं तो 1600 मीटर की दौड़ आपको 6 मिनट में मारनी है, ठीक है ना। बिटवीन 30 से 40 साल है ना, तो आप लोग को ये दौड़ 7 मिनट में मारनी है। और ये देखिए, 30 साल के लंब संभव में है, 30 या 30 साल से थोड़े कम है तो, अगर ऊपर है तो 7 मिनट मिलेंगी, और अगर आप लोग 40 से 45 वर्ष के हैं तो आपको 8 मिनट मिलेगी, और एक्सरसाइज मैन है तो 1600 मीटर के लिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा, और जो 30 से कम है या 30 तक हैं तो उनको 1600 मीटर 6 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। आगे बढ़ते हैं, फीमेल कैंडिडेट को यदि 30 साल से जिनकी कम उम्र है तो उनको 8 मिनट में लगानी होगी दौड़ 1600 मीटर, और 30 से 40 साल के बीच में तो 9 मिनट उनके लिए चाहिएंगी फीमेल कैंडिडेट। और आप लोग यदि 40 से 45 साल की फीमेल हैं, 1600 मीटर की दौड़ आपको 10 मिनट में, और एक्स सर्विस मैन है तो 12 मिनट में आपको 1600 मीटर की जो दौड़ है वो क्वालिफाई करनी होगी। तो बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के पास में, होमगार्ड, और वो भी दिल्ली पुलिस होमगार्ड। दिल्ली पुलिस का होमगार्ड हो, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल हो, इससे बढ़िया जॉब शायद मुझे नहीं लगता कि पुलिस विभाग में, किसी विभाग में, मतलब पुलिस विभाग में इससे बढ़िया, दिल्ली पुलिस से बढ़िया मुझे जॉब का जो प्रोफाइल है वो किसी का नज़र नहीं आता। थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आए हैं हम दिल्ली पुलिस होमगार्ड सरकारी रिजल्ट .com की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस पे। तो थोड़ा समय, 23 जनवरी में ये जो नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था, ठीक है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं, अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होती है तो। आप लोगों से चार्ज जो लिया जाएगा, जनरल OBC EWS कैंडिडेट 100 रुपये और SC ST को 100 रुपये का चार्ज देना होगा, और एप्लीकेशन आपके 24/1/2024 से चल के 13/2/2024 पर बंद हो जाएंगे, और फीस पेमेंट करने की डेट भी 13/2/2024 ही रहेगी, और एग्ज़ाम का आप लोगों को शेड्यूल के बारे में बता दिया जाएगा या फिर बता दिया गया होगा, है ना, जो इन्होंने शेड्यूल अपना बनाया होगा। और कम से कम आपकी आयु 20 साल हो और अधिक से अधिक 45 वर्ष से ऊपर आपकी ना हो, और आपको एग्स पर रिलैक्सेशन जो छूट है वो भी मिल सकती है। टोटल जो पोस्ट है होमगार्ड की 10,285 है। डोमेसाइल होना चाहिए NCT दिल्ली का, और 10+2 क्लास हो आपके पास में किसी भी रिकनाइज बोर्ड से हो, और हाइट आपके पास में 165 सेंटीमीटर, फीमेल 152 सेंटीमीटर, और रनिंग आपकी 1600 मीटर है ना। और ये आपको मैंने पूरी डिटेल बता दी है। तो क्या आपके पास में यदि NCT दिल्ली का डोमेसाइल नहीं है तो क्या इसे आप भर नहीं पाओगे? तो देखिए, ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि अदर कोई इसे भर पाएगा, क्योंकि इसमें मूल निवास जो मांगा है ना वो दिल्ली का ही मांगा है, यानी दिल्ली का मूल निवास आपके पास में होना ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा, अगर कोई ऐसा होता है कि भाई दिल्ली का मूल निवास ज़रूरी नहीं है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा इस प्रॉपर टॉपिक पे, और आप लोगों के सामने उसे पेश करूंगा। फिलहाल मुझे लगता है कि दिल्ली का होमगार्ड इसमें, मतलब दिल्ली दिल्ली का मूल निवास इसमें चाहिएगा, ठीक है भैया। जय हिंद।